जिले के आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला पर गुरुवार को खाद लूट का मामला दर्ज होने के बाद शुक्रवार को मामले में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी से मिलने पहुंचे कांग्रेस विधायकों की कलेक्टर से तीखी बहस हो गई। ज्ञापन लेने बाहर नहीं आने पर विधायकों ने कलेक्टर को सरकार का गुलाम बदतमीज बताते हुए विधानसभा में देख लेने की बात कही और चले गए। शुक्रवार दोपहर करीब 4 बजे झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया, राव विधायक जीतू पटवारी, सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत, काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया, पेटलावद विधायक बाल सिंह मेड़ा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया व अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। ज्ञापन लेने SDM संजीव केशव पांडे आए तो कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर को बुलाने की मांग की। ज्ञापन देने के लिए करीब 1 घंटे तक इंतजार के बाद विधायक चौधरी, गहलोत व शहर कांग्रेस अध्यक्ष कटारिया कलेक्टर के चेंबर में गए और ज्ञापन के लिए बाहर आने की बात कही। कलेक्टर ने विधायकों से कहा कि जन प्रतिनिधि का सम्मान है, लेकिन बात सड़क पर नहीं चेंबर में बैठकर ही होगी। इस पर विधायक चौधरी बिफर गए और कहा कि आप सरकार की गुलामी कर रहे हैं, ऐसा कलेक्टर हमने नहीं देखा। बहस के दौरान कलेक्टर ने दो टूक कह दिया कि पॉलिटिकल माइलेज का मामला है। देश क्या जानता है क्या नहीं, मुझे आपसे ज्यादा समय के साथ ऐसे बदतमीजी से प्रशासक ने बात की, इनसे हम बातें नहीं करेंगे। जनप्रति इनको विधानसभा में इनकी शिकायत करो, सारे विधायकों से एक साथ मिलकर इनकी शिकायत करो। मैं मानता हूं चलो मीडिया से बात करें। आप अब विधानसभा में आने के लिए तैयार रहो, बुलाएंगे उनको, बुलाएंगे। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।